हेलो बच्चों, आज मैं आपको भिन्न के बारे में बताने जा रही हूँ। भिन्न क्या होता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, भिन्नों की तुलना करना। जैसे भिन्न क्या है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भिन्न क्या है। भिन्न जो संख्या, ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी हो उसे भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे लिखा है मैंने यहाँ पर 3/4, तो इसमें 3 क्या है, अंश है, और 4 क्या है, हर है। जो ऊपर संख्या है उसे अंश कहेंगे और नीचे वाली को हर कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी संख्या में आप हमें बताएंगे, आप बताइए इसमें कौन सा अंक हर है और कौन सा हर है और अंश है। तो ऊपर वाला क्या होगा बताएं जल्दी से, अंश। हंस ऊपर उड़ता है ना, उसी तरीके से अंश ऊपर, हंस ऊपर उड़ता है, जान लीजिए कि ऊपर उड़ता है, और बस अंश ऊपर होगा और हर नीचे। और ये दूसरी संख्या, इस संख्या में बताएं 6/10, क्या लिखा है 6/10, इसमें अंश कितना है 6, वेरी गुड, अंश 6, अंश बटे हर। मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि तुलना कैसे की जाए। तुलना का मतलब कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन समान है। इसे जैसे यहां पर मैंने लिखा 3/2 और एक दूसरी संख्या लिखी 5/6। अब हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। आपको इसमें भाग देकर देख लेना चाहिए, 2 का भाग जब आप 3 में देंगे तो 2 × 1 = 2, 3 में 2 गया 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, 2 × 5 = 10। आपके पास कितना आया उत्तर इसका, 1.5, कितना आया 1.5। अब इसको इसी प्रकार से हम हल करके देख लेते हैं, 6 से भाग देते हैं 5 में, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 6 × 48, शेष बचा 2। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 0 बढ़ जाता है, दशमलव है तो आगे कुछ भी अब हमको 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 3, फिर शेष आता चला जाएगा इसी प्रकार से, घटाया कितना बचा 2। अब आपके पास कितना है पूर्णांक, यहाँ पर कितना हुआ 0, यहाँ पूर्णांक 0 है तो लिखेंगे यहाँ पर कितना है 0.83। जब दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो अब 0 है, पूर्णांक है उसको कहते हैं, यहाँ पर पूर्णांक 1 है और ये 0 है। तो अब आप समझिए कि कौन 1 बड़ा कि 0 बड़ा। पहले इसको पढ़ते हैं 1.5 0.83, लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 है और यहाँ 0 है, तो 1 बड़ा कि 0, कौन बड़ा, 1 बड़ा, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ये वाली, ये बड़ी है। और ये छोटी है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए इसको आप बता दिए होंगे, साथ साथ करते भी चलना है आपको। देखिए अभी
आपको कैसे लिखना था, 1.5 आया था और वो आया था 0.83। तो अब इसमें छोटा और बड़े का निशान कैसे लगाते हैं, देखिए जो छोटा होता है उसकी तरफ पीठ रहती है, जो बड़ा होता है इसे बड़ा रसगुल्ला खाने के लिए बड़ा मुँह फैलाना पड़ता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 3 तरह के निशान होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। जब बड़ा लड्डू खाना है तो बड़ा मुँह फैलाना पड़ेगा, इसलिए बड़ी संख्या की तरफ को मुँह खुला रहेगा, बड़ी संख्या की तरफ मुँह खुला रहेगा देखिए, और छोटे वाले की तरफ पीठ कर लेगा। अब इसी प्रकार से हम आपको कुछ भिन्ने देंगे जो कि आपको घर से करना होगा। देखिए SW के लिए बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही, दिन को समझ लिया हमें शौर का, ठीक है, बाय।